कार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखें खुल ही गई बहुत लेट खुली जब उनकी गद्दी एक हफ्ते की या दो हफ्ते की मेहमान में लेकिन खुल गई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की ये बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट है वो क्वाड में भी है वो अमेरिका और रशिया दोनों से अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं मेरे मुल्क की फॉरन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ उनका अलायंस है क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सेंशन लगी हुई है क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है मोदी की तारीफ और इमरान खान जिस मोदी को वो गाली देते देते नहीं थकते थे उसकी तारीफ बेचारे भारी दिल से की या जैसे भी की लेकिन की उन्होंने ये भी बोला अभी कुछ दिन पहले तक तो ये धमकी दे रहे थे इंडिया को न्यूक्लियर वॉर की लेकिन अब तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के नए भक्तों में जो शामिल हुए हैं वो इमरान खान है अब इमरान खान कोई ऐसा तो है नहीं कई मुसलमान हैं जो समय समय पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे लेकिन वो इस्लामिक मुल्क के प्रधानमंत्री हैं वो इस्लामिक मुल्क जहां से इस्लामिक जिहाद इस्लामिक आतंकवाद टेररिज्म उसकी पूरी फैक्ट्री चलती है वो पाकिस्तान उसके प्रधानमंत्री हैं वो जहां कहा ही यही जाता है कि अगर भारत विरोध की भावना नहीं रहेगी तो आप वहां की सत्ता में नहीं रह सकते सर्वाइव नहीं करेंगे आपका तख्ता पलट हो जाएगा हटा दिया जाएगा मारे भी जा सकते हैं हत्या भी हो सकती है और अलग अलग समय पर हमने देखा कि पाकिस्तान का कोई भी जो प्रधानमंत्री है वो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाता है राष्ट्रपति को भी उस देश में भागना पड़ता है तो सोचिए ऐसा देश है और देश उसे क्या कहेंगे वो मैं बार बार कहता हूं कि एक जाहिल मानसिकता से वो चल रहा है पाकिस्तान में लोग बहुत पीड़ित हैं और मुसलमान ही पीड़ित हैं वहां तो मुसलमान ही है हिंदू तो बेचारे प्रतीक के लिए कभी होली की किसी स्कॉन मंदिर की फोटो डाल दो या कुछ ऐसा डाल दो वही भर है वो उनके कोई अधिकार कोई हैसियत नहीं लेकिन हर बात पर भारत को और भारतीयों को धूल चटाने के मंसूबे रखने वाले इस्लामिक मुल्क का प्रधानमंत्री इमरान खान जो दुनिया भर के दावे करके आया जाने क्या क्या बोलता रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एटपार खड़े होने की कोशिश की यहां तक कि उसके भाषणों को इमरान खान के भाषणों को यहां भारत में बैठे कुछ पत्रकार जो सेकुलर बीमारी से ग्रसित हैं सेकुलर बीमार हैं वो उन्होंने कहा स्टेट्समैनशिप ऐसे होती है ऐसे में वो जो उनका स्टेट्समैन है वो कह रहा है कि भैया स्टेट्समैन तो नरेंद्र मोदी हैं और कैसे स्टेट्समैन है वो भी बड़े विस्तार से बताया है। हालांकि वो चर्चा तो मैं नियमित तौर पर करता रहा हूं मैं बताता रहा हूं कि देखिए जो भी ये कह रहा है कि नेहरू की नीति है वो दरअसल झूठा है बेईमान है वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर या दूसरी नीतियों को लेकर उसकी कोई समझ नहीं है मूड है वो उसको बस ये है कि किसी भी तरह से कुछ साबित कर देना है वो गुलाम ग्रंथ से ग्रसित है गुलाम ग्रंथी से ग्रसित है जहां उसे लगता है कि नेहरू के आगे नहीं नेहरू के पीछे नहीं नेहरू न होते तो भारत न होता अब मैं ये कहते हुए मैं कह दूं कि मैं देश के हर प्रधानमंत्री के लिए बहुत सम्मान की भावना रखता हूं चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो लेकिन कुल मिलाकर क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तो कुछ भी जो वो कर रहे थे वो जुड़ता ही और जो प्रथम पुरुष होता है वो तो वैसे भी इतिहास पुरुष बन जाता है कहे क्या है भैया ये संस्थापक थे भैया इन्होंने शुरू किया था लेकिन उसके बाद भारत की नीतियों को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आकार दिया और बिना किसी संकोच के बिना किसी संदेह के मैं कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नीतियां थी और उन नीतियों में इंदिरा गांधी की भी नीति शामिल थी राजीव गांधी की भी नीति रही होगी उन नीतियों में पीवी नरसिंहा राव की भी नीति रही होगी और अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत सी नीतियां थी उन्होंने तो बहुत शुरू किया बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कल्पना भी नहीं थी वो सब शुरू किया लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको कई गुना आगे ले जा रहे हैं और यहां मैं बोल दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई नीति ही नहीं थी क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे ही नहीं कहने के लिए वो प्रधानमंत्री थे लेकिन दरअसल उनके ऊपर जो एनएसी थी राष्ट्रीय सलाहकार समिति थी वो ऐसे बैठ गई थी ना कि कोई निर्णय नहीं देने लेने दिया एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को समाजवादी वो भी विकृत समाजवादी नीतियों से दबा दिया तो कहां उसमें वो फॉरेन पॉलिसी हो कहां जो है इंटरनल सिक्योरिटी ये सब कहां ध्यान में आता लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो जो प्रेसिडेंट हैं उसके साथ है जो भारत की शक्ति है क्षमता है उसके साथ है और आगे कैसे बढ़ना है उसके साथ है इसीलिए इमरान खान वो बात कहते हैं जो अगर आप उनका चेहरा इमरान खान का ना हो सामने आपको ये ना पता होगी इमरान खान की आवाज है तो आपको लगेगा कि भारत का विदेश मंत्री बोल रहा है और अगर वो फर्स्ट पर्सन में बोलने लगे तो कि हमारी नीति ये है कि हम क्वाड का भी हिस्सा हैं आप ध्यान से सुनिए हमारी नीति ये है कि हम क्वाड का भी हिस्सा हैं अमेरिका के साथ हैं लेकिन हम रूस से सस्ता तेल भी खरीदेंगे हम तो बड़ी हैरानगी की बात है कि वो इमरान खान साहब जो सारा टाइम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो और भारत के बारी इधर उधर की बातें करते रहे वो भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी के हक में बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है वो इंडिया को बड़ा एडमायर करता हूँ कि उनकी आजाद फॉरन पॉलिसी है मेरा ख्याल है उन्होंने कि मेरी मेरी वीडियोस इमरान खान साहब ने देख ही ली हैं मुझे तो आज ऐसे शक पड़ रहा है और मैं कितनी देर से ये कल्प रहा था कि देखें वो किस तरह क्वाड में भी मजे मार रहे हैं और जिसे वो कर, मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि वो दो दो खा रहे हैं और चोपड़ियां खा रहे हैं हमारे पंजाबी में मुहावरा है कि दो दो पराठे खाएं और मक्खन के साथ खाएं तो भारत तो वो कर रहा है तो लगता है कि इमरान खान साहब के कानों में कहीं मेरे अल्फाज पहुंच गए हैं और इस चीज को मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब या हमारी सरकार को समझना चाहिए था कि किस तरह एक आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर काम किया जाता है और किस तरह सिर्फ चाइना के ऊपर ही हम नहीं बैठ जाते लेकिन उधर उन्होंने इमरान खान साहब ने इंडिया की तारीफें शुरू कर दी जब इमरान खान साहब के ऊपर खतरात में डला रहे हैं और अमूमन तो वो जब हमने पॉपुलर होना होता है हमारी लोगों ने सियासतदानों ने इंडिया में भी ऐसे ही है वहां पे भी जब उन्होंने इंडिया वालों ने पॉपुलर होना होता है जरा आजम ने या सियासतदानों ने तो वो एंटी पाकिस्तान बात करते हैं और जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने भी अच्छी बली एंटी इंडिया बड़ी कंपेन की है आज जाते जाते, जाते जब उनको पता है मेरे थोड़े दिन रह गए हैं तो इमरान खान साहब ने जो है उनकी तारीफ करने शुरू कर दी है उधर मजे की बात यह है कि वेस्ट की तनकीद कर रहे हैं और वो जो वेस्टर्न जो एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में उनको जो है वो आ, उनकी फिर खिंचाई कर दी और इंडिया की तारीफें कर दी और कहा जनाब के पाकिस्तान तुम्हारा गुलाम नहीं है और ये इमरान खान को एक चीज का पता चल गया है कि मैं तो फारग हो रहा हूँ तो मैं कोई इस तरह का नेगरटिव भेजूँ और मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब के फारग होने की एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब ने ये जो मगरब से और वैस से जैसे कहते हैं ना हमारे एक जुबान में कहते हैं पंगा ले लिया ये इमरान खान साहब की गैर जरूरी अपनी पॉपुलैरिटी को रखने के लिए जो उन्होंने की है ये उनको बहुत 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 बड़ा नुकसान हुआ इमरान खान साहब को और शायद इसको वो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ समझ पाएंगे कि उनके साथ ये क्या हुआ उन्होंने ये क्या किया और उसका जो है वो पाकिस्तान को क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा अब इमरान खान साहब ने एक जलसे में खड़े होकर वहां पर नारे मार दिए जनाब और कहा जनाब कि ये तो हम तो देखो कितना मजबूर है और इंडिया जो है वो कितना आजाद है और उधर से आपको पता आई एम एफ जो कि पाकिस्तान को हर रोज जो है वो दबाता है और कहता है कि हमें बताओ हम आप, हमारी सोवेनिटी की जो आ, जिसे कहते हैं ना वॉयेशन आई एम एफ ज्यादा बेहतर तो कोई अच्छे तरीके से नहीं कर रहे सोफिस्टिकेटेड जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पार्टे थे तो इसको हम बोलते हैं न्यो न्यू इम्पीरियलिज्म एन ई ओ न्यो न्यू इम्पीरियलिज्म Uh, जो वेस्टर्न ममाल ठीक है, uh, दे वो जो है ground, आप जो है वो अपनी uh, जो इंस्टीट्यूशन के जरिए मिलिट्री के जरिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए आप पैनिट्रेट करते हैं अंदर किसी मुल्क के और फिर उनको यू मेक दम टू टेक डिसीजंस जो के uh, uh, इस हवाले से होते हैं अब ये जो डेढ़ अरब डॉलर का हमने सब्सिडी पैकेज जो है वो अनाउंस किया हुआ है इमरान खान साहब ने इस पर ने कह दिया कि जरा सामने आओ ना बाहर निकलो जरा तो सामने दसो आगे जनाब ये आपने इतना आ, ये पैकेज आपने कहा से अनाउंस कर दिया ये पेट्रोल डीजल की, की कीमतें कहाँ से कम कर दी या आपके खजाने में कौन सा पैसा आया इमरान खान साहब आप हमें बताएं कि इस पैसे को आपने कैसे जस्टिफाई करेंगे तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है उन्होंने एक्नॉलेज किया कि आई ने अपने पाकिस्तान से पूछ लिया उधर जो अमरीका